اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم ايماننا وسلم الاسلام بشفاعة لا اله الا الله محمد رسول الله. कलम अदालत ज़बान सदाकत कलम इबादत फिक्र शिकार वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चूँकि जैसा कि आपको पता है कि हम गयूर साहब की जो बरसी के मौके पे हम ये प्रोग्राम मनाते हैं करते हैं, तो हमने आज सोचा कि हम यहाँ रत्नीपुरा में आके उनके आबाई मकबरा में उनको गुलबाहरी उनको फातिहा खानी भेज के उसके बाद हम यहाँ पे जो है ये प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि उनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है हर किसी फील्ड में, एजुकेशन में, बाकी फील्डों में। तो लिहाजा इस ज़िमन में हम यहाँ पे जमा हुए हैं। जम्मू कश्मीर के हर तरफ से लोग आए हैं यहाँ पे और जमा हुए हैं। जैसा कि आपको पता चलता है कि इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कामना करेंगे कि उनकी मगफिरत हो, हमारी भी मगफिरत हो, और जो कोई भी इस वादी कश्मीर में जो भी गुजर गया या दुनिया कायनात में जो भी गुजर गए इस वक्त तक, तो हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके सब की मगफिरत हो, अल्लाह ताला से यही हमारी दुआ है। तो लिहाजा इस ज़िमन में हम ये हमने आज यहाँ पे कोशिश की है कि उनके आबाई मकबरा पे आबाई इलाके में उनका जो कंट्रीब्यूशन है और जो ताउन इन लोगों ने दिया है, इलाके के लोगों ने दिया है, वो सराहना के काबिल हैं, तो हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और बाकी जो हमारे लोग हैं जो उनके शफकत में उनके यहाँ पे तशरीफ आवर आए हैं और इस वक्त प्रोग्राम में हाजिर है, तो हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मदीन अंदराबी है, मैं कन्वीनर हूँ जम्मू कश्मीर गयूर फाउंडेशन का। तो आज जो हम यहाँ रत्नीपुरा में जमा हुए हैं, आज जनाब सैयद गुलाम रसूल गयूर अंदराबी मरहूम की आज 20वीं बरसी पर उनके जो यहाँ पर मदा हैं, चाहने वाले हैं, उनमें हम जमा हुए हैं। मकबरे पर हमने गुलबारी की और फातिहा खानी की है। यहाँ तक मैं गयूर साहब की शख्सियत का ताल्लुक है, तो गयूर साहब एक मुदीर, एक उस्ताद, एक मुसन्निफ, एक शायर और ज़िंदगी के अक्सर पहलू में एक कामयाब इंसान थे। हमेशा अपनी जो उनकी सियासी और इल्मी और अदबी और कल्चरल जो उनकी तख्लीकात हैं, तो वो बिल्कुल उनके फर्जंद ने किताबों की सूरत में वाजह की हैं और उन्होंने उसको तबात के साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से कारीन तक पहुँचाया है। और उस सिलसिले में शौकत साहब ने एक बहुत अच्छे बेटे का एक जो फ़र्ज है वो निभाया है। आज की ये जो महफिल है, ये हम पिछले लगभग नए सिरे से 2018 से मनाते आए हैं गुरु साहब की बरसी 22 अक्टूबर को, जिस दिन वो यहाँ रत्नीपुरा में अपने घर के बाहर ही शहीद हुए थे, मनाते आए हैं। इसमें हमें कल्चरल एकेडमी रियासत जम्मू कश्मीर का भी ताउन हासिल रहा है और आज की जो फंक्शन है इसमें भी कल्चरल एकेडमी का ताउन हमें हासिल है। तो इसी वजह से आज हमने ये फैसला किया कि बग़ैर इसकी के टैगोर हॉल में या श्रीनगर में किसी जगह पर हम ये मुनक़द करते उनकी बरसी और उनको ए साल सवाब के लिए हम जमा होते, तो हमने ये मुनासिब समझा कि उनके घर में जहाँ वो रहते थे और जहाँ उनका मदफन है रत्नीपुरा में, वहीं यह तकरीब मुनक़द की जाए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि उनको अपने जवाहिर रहमत में जगह दे और हमको उनके जो ख्यालात और तफक्करात से जो उनसे उन्होंने अपनी किताबों में, अपनी गज़लों में, अपने शायरों में हम तक पहुँचाए हैं, उस पर अमल करने की तौफीक दे। वस्सलाम।